जहां पे सबसे ज्यादा कंसर्न है, जहां पे सबसे ज्यादा कंसर्न है, जहां का मामला है वहां की बात कहेंगे कि हम सारी जगह की बात करने लगे। बिल्कुल, अरे एक जगह जहां पे कॉर्नर, जो कॉर्नर पॉइंट आउट हुआ है, जो कॉर्नर पॉइंट आउट हुआ है अनुराग भदौरिया, उस कॉर्नर को तो देखा जाएगा ना पहले। अरे प्रभु बात तो सुन लीजिए प्रभु, मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो लोग ये ड्रग्स का धंधा करते जेल में नहीं, उनको फांसी लगा देनी चाहिए। ये बात तो बहुत पहले होनी चाहिए जो इतने दिनों बाद हो रही है। इसका सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन आप पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को गलत बोल दे, ये भी जायज नहीं है। मुकेश जी भी उसी इंडस्ट्री से आते हैं, पायल जी भी उसी इंडस्ट्री के हैं, खान में बैठी वो भी उसी इंडस्ट्री के हैं, आप सबको बुरा कैसे बोल दोगे भाई? भाई उस इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, देखिए आपके टीवी चैनल में बैठे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, इंडस्ट्री में हर कोई बुरा तो नहीं है ना। पायलट की, पायलट की आदतदारी में पायलट की के बात आना जी अनुराग, नाउ यू वेट, नाउ अनुराग, नाउ अनुराग यू वेट, पायलट की, पायलट की इंडस्ट्री में, सर मुकेश जी आर आई एम कमिंग, मुकेश जी आई एम कमिंग। इन्होंने बोला इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं, जी हाँ हर जगह अच्छे लोग हैं, मगर यहाँ पर रवि किशन जी का बयान था टू टारगेट द ड्रग्स इन बॉलीवुड। जया बच्चन जी एज अ अच्छी अभिनेता, एज अ अच्छी भारतीय नागरिक शुड हैव सपोर्टेड रवि किशन सेइंग दैट हाँ अगर बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन होता है तो वो गलत है, हमें उन लोगों को पकड़वाना चाहिए। मगर उनकी डॉटर श्वेता बच्चन रिया चक्रवर्ती का समर्थन करती है जो एक ड्रग सप्लायर है, तो ये कहां की अच्छाइयत है? उन्होंने ये बोला पार्लियामेंट में सदन में खड़े होके बोला, यही फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो जब देश मुसीबत होता है तो करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में भी देते हैं, यही इंडस्ट्री के लोग हैं। क्या अक्षय कुमार जी ने नहीं दिया? कितने लोगों ने दिया? यही देश की मुसीबत में इंडस्ट्री के लोग खड़े भी होते हैं और हमें देश का रोजगार भी मिलता है। जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कानून कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि देश चूंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो लॉ से चलता है, कानून से चलता है, किसी एक व्यक्ति के बोलने से नहीं चलता है कि हमने मन में आया कुछ भी बोल दिया, क्योंकि कानून okay. इसमें संविधान है, न्यायपालिका है, जो यहाँ गलत करेगा okay. उसको सजा देगी। इसलिए उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं जो वक्त आने पे देश के साथ खड़े होते हैं okay. क्या खड़े होते पहले भी बताइए आप, क्या वहाँ पे लोगों के साथ नहीं खड़े होते देश के साथ? ओके, कैन आई रिप्लाई? इंडस्ट्री राइट 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 यस फाइल, यस फाइल, ऑफ कोर्स फाइल। इंडस्ट्री अपना पैसा कमाती है लोगों से, लोग इंडस्ट्री को बनाते हैं, ये जो भारत के लोग हैं ये इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स को बनाते हैं। जब वो लोग इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं तो फ्लड में अगर वो थोड़ा सा दान कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने केरला, नागालैंड सब जगह दान किया, मगर उसने उसके ऊपर पीआर एक्टिविटी नहीं करी। आप अगर कहते हैं कि आप पीएम केयर फंड्स में पैसा डालते हैं अच्छी बात है, मगर क्या जया बच्चन जी इसके ऊपर चर्चा करेगी कि सुनने में आया है कि बच्चन परिवार के स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं? क्योंकि ये जो स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं, ये पैसे टैक्स भरे बिना वहां पर रखे जाते हैं, तो वो भारत के लोगों का टैक्स का पैसा है, तो क्या इसके ऊपर भी चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? क्योंकि यहाँ पर हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं, ये बात झूठ भी हो सकती है, मगर इसके ऊपर क्या चर्चा होगी? जो लोग कहते हैं कि हम लोग पीएम केयर फंड्स में पैसे डालते हैं, देखिए एक चीज मान के चलिए, पीएम केयर फंड मतलब क्या हुआ? देश की मदद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लिए नहीं लेते, वो देश की सुरक्षा के लिए पैसा आता है उसमें, कोई अपने लिए नहीं लेते। मैं कह रहा हूँ देश के साथ वो पैसा देश को दिया जाता है, देश की मदद के लिए दिया जाता है। कोरोना से जो लोग परेशान उससे मदद होगी, तो फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग अच्छे भी है, तो जो अच्छे लोग उनकी तारीफ होनी चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो बुरे लोग हैं उनके साथ तो कोई कभी खड़ा नहीं होता। पायल जी नहीं, पाल जी जो बुरे लोग होते हैं उन इंडस्ट्री में कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, ये आप मान के चलिए।